अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, उम्मीद करती हूँ तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। बरह मेहरबानी आप लोगों से हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को कंप्लीट वॉच किया करें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को कंप्लीट वॉच किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करें। आप लोगों की हौसला अफजाई मेरे लिए बहुत ज़्यादा फख्र बाहर होती हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे हबीब के सदके अपने घर से नवाजे और बेतहाशा खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह हमको कभी किसी का मोहताज ना करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। जब मैं दुआ करूँ तो कमेंट में ज़रूर आमीन लिख दिया करें, ना जाने किसकी आमीन से ज़िंदगी सवर जाए। मैं हूँ आपके साथ मानुष शहज़ादी, आपका अपना चैनल मोटिवेशनल स्पीकर RS। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि रिश्तों को निभाना। देखें, आप फ़र्ज़ करें अगर आप रिश्तों को निभाते हैं, आप उनके साथ अच्छा सलूक करते हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं, आपके साथ कोई नहीं करता तो आप फिर भी उनके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, आपको इग्नोर किया जा रहा है, आपको टर्न की जा रही है, आपको तंज की जा रही है, तो आप ये मत सोचें कि हमें भी वैसा ही करना है। आप ये सोचें कि हमने अल्लाह के हुक्म को मानना है और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलना है। कोई कुछ भी करता है तो करे, मुझे उस जैसा नहीं बनना, तो आप यकीन करें आपको अल्लाह बहुत अजर देगा और आपकी दिली सुकून और इत्मीनान बख्शेगा और आप एक बहुत ही अच्छे इंसान बनेंगे। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चल कर तो आप देखिए आपको कितना सुकून और दिली राहत होगी।